हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी रसोई गीता की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं किड्स स्पेशल साबुदाना। आप देखिएगा कि साबुदाना कितना यमी बनता है और चिपकता भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, आप चाहे कोना कढ़ाई किसी में भी बना सकते हैं। एक चम्मच के करीब घी ले लिया है और इसमें हम ये साबुदाना डाल के हल्का सा रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने साबुदाना भिगो दिया था 6 घंटे के लिए और अब इसको हम इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे साबुदाना बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छी खीर बनती है। इसे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बड़े भी खा सकते, कोई भी खा सकता है, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है। जैसे हम मीडियम आँच पे हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, आप इसमें चिपके नहीं। जैसे कि हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट हो गया है। बस अब इसमें हम डाल देंगे दूध। मैंने 2 कप दूध लिया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब सर्दियाँ हैं, आप गुड़ शक्कर डालकर सर्व करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें, और अगर आप छोटे बच्चे जिनको अभी दांत नहीं उन्हें खिला रहे हैं तो ड्राई फ्रूट बाद में ऐड कर लें उनके लिए निकाल के। बाकी घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब खाएँ इसको, ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। अब इसमें बॉयल आ जाएगा और चीनी डाल लेते हैं। बस तैयार है हमारी रेसिपी। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो गया साबुदाना। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें बादाम और किशमिश डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं भी डालें तब भी बहुत यम्मी लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।